भूसे वाला तिरंगा। वाह वाह बल्ले, तो सारी लेके जाएंगे। इतना बड़ा देखो आपके सामने कितना बड़ा गुड्डा है, ये सिर्फ 20 रुपए से लेके 400-500 तक ये है। 100 रुपए से लेके 250 रुपए तक का गुड्डा बड़ा है भैया के पास यार। इसके लिए ये है कि इनको लेके कैसे जाएंगे, बड़ी मुश्किल से लेना पड़ेगा। अभी यहाँ से एक बार फुल देख लो, पूरी शॉप जो है मतलब आप लोग देख सकते हो। सिद्धू मूसे वाला है लेजेंड। एक शौक जो है वो छोटे होते काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, जिससे हाथ उथ भी कट जाए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो है जी काइट्स उड़ाने का शौक। तो ये पड़ा हुआ था घर पे, तो मैंने सोचा कि यार चलो आज काइट्स वगैरह उड़ाते हैं। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। वाइज मौसम जो है काफ़ी प्यारा हो रखा है और ठंड तो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना दिन ब दिन, लेकिन तंगे उड़ाने का जो मज़ा आता है वो भी इन्हीं सर्दियों में आता है। तो आज सोच रहे थे ऐसे बैठे बैठे कि चलो यार क्यों ना छोटे होते काफ़ी सारी पतंगें उड़ाई हैं, तो भाई पतंगों वाला ब्लॉग बना लेते हैं। सो उसके लिए पहले जाना पड़ेगा काइट्स ख़रीदने के लिए, तो और साथ में ये तो काफ़ी छोटी है और पता नहीं कब से पड़ी हुई है, सो थोड़ी बड़ी डोर भी लाएंगे साथ साथ में। ठीक है गाइस लेट्स गो, चलते हैं। आज हमने सबसे ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है वो है कि हम लोग अभी बाइक पे जा रहे हैं और सीरियसली यार ठंड इतनी ज़्यादा है ना आज। अरे भाई साहब, और बाइक चला रहा है हमारा सौरभ और जो कि पूरा पैक है, लेकिन मेरी जो है काफ़ी बुरी हालत हो रही है। एक चीज़ अच्छी कर दी है मैंने, जो ये वाली जैकेट डाल के आया हूँ ना, ये सबसे अच्छा काम किया है क्योंकि हवा जो है वो क्रॉस नहीं करती इससे। बाकी फुल मज़े आ रहे हैं आज, बड़े दिनों के बाद मैं पीछे बैठा हूँ। बारिश नहीं पड़ी जब तक, तब तक ठंड जो है ऐसी रहेगी, लेकिन फुल मज़ा आ रहा है ऐसे। इस हिसाब से मेरे को लगता है कि काइट आज उड़ा नहीं पाएंगे। और हाथ गाइस लाल हो गया बिल्कुल, ये देखो ठंड वाह यार, लेकिन मज़ा पूरा आ रहा है। तो गाइस फाइनली कठुआ पहुंच चुके हैं और अभी हमें ढूंढने पड़ेगी काइट्स वाली शॉप और बढ़िया सी शॉप देखेंगे। चलो चलते हैं फिलहाल। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं काइट वाली शॉप पे और वाह यार बड़ी बड़ी काइट्स लगी हैं यहाँ पे। तो अपने लिए कोई काइट देखते हैं, मतलब स्टॉक जो है वो काफ़ी सारा बड़ा पड़ा है। पर नीचे वो बहुत ही ज़्यादा स्टॉक है इनके पास। चलो देखते हैं हम भी कुछ है। ये सिद्धू मूसे वाला है लेजेंड। चलो ये भी देखेंगे, लेते हैं अपने लिए कोई बढ़िया सी काइट्स। पहले हमें पता नहीं है कि काइट्स की क्या क्या वैरायटी होती है, पूछ के देख लेते हैं इनसे क्या क्या वैरायटी है काइट्स की, तो फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं। सबसे छोटी काइट्स छोटे होते उड़ाते थे ना।
ये आगे भी है यार, ये भी ले लेते हैं साथ में परी है ना, स्टॉक है यार जबरदस्त है। तेरे लिए ज़्यादा खतरनाक रहेगी ये है, मूसी वाला वो ये देखो तिरंगा, वाह वाह बल्ले, एक से एक अच्छी वैरायटी है यार, सही बात है। मतलब कठुआ में ऐसा स्टॉक मिल रहा है, सही है ना, तगड़े ही है यार। तो अपनी चॉइस से लो, जितनी लेनी है तो सारी लेके जाएंगे। 2023 हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। ये सारी पेपर वाली है और सही है, बॉक्स के बॉक्स भरे पड़े हैं। मूसे वाला ये क्या है, आई लव मोटो, मतलब बाइक शेक चलाने के लिए आई लव मोटो, तगड़ी। ये पूजा, आई लव पूजा, इसका कोई फायदा नहीं है हमारा। ये भी है का कुछ है, ठीक है, डेकोरेशन है, मतलब अनलिमिटेड स्टॉक है। और भैया सही होल सेल की प्राइस में है, ज़बरदस्त होल सेल की प्राइस में, कोई वो ज़्यादा नहीं है। पतंगों से है ना, पूरा बॉक्स जो है वो पतंगों से भरा हुआ है, यहाँ पर भी नीचे पूरा बॉक्स पतंगों से ही भरा हुआ है। मतलब तगड़ा सीजन रहने वाला है इस बार, ऐसा भी है। ये देखो ये कितने के ना भैया, 10 रुपये, ये दस रुपये के गुड्डे हैं। ये देखो इतना बड़ा, देखो आपके सामने कितना बड़ा गुड्डा है, ये सिर्फ कितना 10 रुपये का यार, सही है यार। हम जैसे रैंडमली आए थे शॉप पे, मैंने कहा चलो, लेकिन सीरियसली वैरायटी देख के मैंने बोला सारे निकालो यार बाहर, देखो ऊपर से लेके नीचे तक गुड्डे हैं। ये भैया इनका क्या प्राइस है, ये 10 रुपये, ये सभी 10 रुपये के हैं। ये देखो 10-10 रुपये के गुड्डे हैं, ये सारे कितने बड़े बड़े गुड्डे हैं, अभी ये सभी 10 वाले हैं भैया। इससे ऊपर क्या क्या रेट है, 10 से लेके 250 तक। अच्छा 10 से लेके 250 तक, 250 वाला ही पड़ा हुआ आपके पास, 100 रुपये से लेके 250 रुपये तक का गुड्डा पड़ा है भैया के पास यार, वाह सही है यार एकदम। 400-500 रुपये तक चरखी मिलते हैं। अच्छा अच्छा 20 रुपये से लेके 400-500 रुपये तक ये है, और ये कभी कभी वेट के हिसाब से मिलते हैं, वो भैया भी देते हैं वेट के हिसाब से, ऐसी बात नहीं है। हमारे कठुआ में देखो यार, मैं अनएक्सपेक्टेड था कि कठुआ में ऐसा स्टॉक मिलेगा, लेकिन भैया लेके आए हैं ज़बरदस्त स्टॉक लेके आए हैं यार। बाकी यहाँ से एक बार फुल देख लो, पूरी शॉप जो है, मतलब आप लोग देख सकते हो पूरा की पूरा जो है वो पतंगों से भरा पड़ा है। ये 100 रुपये की पतंगे हैं, देखो कितना बड़ा गुड्डा है, देखो यार 100 रुपये का है, मतलब उड़ाने के लिए भी बंदे खतरनाक चाहिए। फिर ज़्यादा स्टॉक देख के ना भाई बड़ा दिल खुश हो गया यार, पहली बार मैंने पतंगों का इतना ज़्यादा स्टॉक देखा, और सही है यार, एक से एक बढ़िया क्वालिटी और एक से एक बढ़िया वैरायटी। ये ले लेते हैं पतंग अपने लिए, और वो दूसरे लेने हैं यार कागज़ वाले, सही है यार मस्त चीज़। ये देख लेना ना कौन सा उड़ना वाला देख लेना जो सही है, मतलब एक एक दो डलवाते हैं है ना, दो पीस डलवाते हैं सबके। तो गाइस अपने लिए थोड़े से पतंग जो है वो पैक करवाते हैं, ऐसे नहीं ठीक है, अलग अलग लेते हैं ना सारे, अलग अलग
फटा हुआ है फटा नहीं यार ठीक है। तो गाइज ये ले लिया हमने पतंग, अब मुश्किल यही है कि इनको लेके कैसे जाएंगे, बड़ी मुश्किल से लेना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं फिर। तो गाइज ये रही भैया की शॉप, और ये सीधा शहीदी चौक ये है, और ये है शॉप। पतंगे उड़ाने से ज़्यादा मुश्किल है उसको लाना, बड़ा मुश्किल हो रहा है हमें कैरी करते हुए। और अब मैं कैमरे को यहाँ पे माउंट कर रहा हूँ, तो देखते हैं यहाँ से फुटेज कैसी आती है। पहले इसको निकालना पड़ेगा, ठंड बड़ी ज़्यादा है, मेरा हाथ नहीं चल रहा। तो इसको फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। अरे माउंट फिक्स हो गया, अब चलते हैं, अब एक बार यहाँ से फुटेज देखते हैं कैसे आती है। चलो लेट्स गो। टेंशन है यार, कैमरा ना नीचे गिर जाएगा। ठीक है तू? ठंडी कितनी ज़्यादा है यार। बंदे ड्राइडर दादा तू वाला कम है तू चला चंगा चला।